बचपन में हम सबकी लाइफ में खुशी ज्यादा थी और दुख कम था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहे हमारी लाइफ में खुशी कम होने लगी और दुख बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा क्यों होने लगा? यही सवाल हम कभी भी अपने आप से नहीं पूछते हैं, और अगर कभी पूछते भी है तो उस सवाल के साथ रुकते नहीं, जल्दी में कुछ जवाब देके आगे निकल जाते हैं, कभी भी डीपली समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं और आप दोनों मिलके इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में सिर्फ माँ साथ रहने पर ही आप खुश थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब आप बड़े होने लगे तब खुश रहने के लिए माँ साथ रहने के साथ साथ कुछ फ्रेंड्स रहने की क्राइटेरिया भी ऐड हुआ। फिर कुछ दिन बाद माँ और फ्रेंड्स रहने के साथ साथ एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहने का क्राइटेरिया ऐड हुआ। फिर कुछ दिन बाद एक अच्छी नौकरी होने की क्राइटेरिया ऐड हुआ, फिर एक अच्छी घर, फिर एक अच्छी गाड़ी। ऐसे ऐसे करके जितना दिन गुजरने लगा खुश रहने के लिए क्राइटेरियाज भी बढ़ने लगे, और जैसे जैसे क्राइटेरियाज बढ़ने लगे खुशी कम होने लगा और दुख बढ़ने लगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखने से ही ये समझने में कोई तकलीफ नहीं होता कि बचपन में हम जब बहुत ज़्यादा खुश थे तब जो चीज़ हमारी लाइफ में बिल्कुल मिनिमम थी वो है एक्सपेक्टेशन। पहले सिर्फ माँ साथ रहने से ही खुश थे, फिर फ्रेंड्स ऐड हुआ, और जैसे जैसे बड़े होने लगे लाइफ में एक्सपेक्टेशन उतने ही बढ़ने लगे और खुशी कम होने लगा। मतलब लाइफ के मामले में अगर हम इसे एक इक्वेशन के जरिए एक्सप्रेस करें तो फिर वो कुछ ऐसा होगा, एक्सपेक्टेशन वेरीजेस 1/ हैप्पीनेस। या अगर थोड़ा और सिंपल करके कहा जाए इसे हम स्किल्स के जैसे भी सोच सकते हैं, जहाँ पे एक तरफ है एक्सपेक्टेशन और दूसरी तरफ हैप्पीनेस। मतलब एक्सपेक्टेशन जितना बढ़ने लगता है हैप्पीनेस उतना ही घटने लगता है, और एक्सपेक्टेशन जितना कम होने लगता है हैप्पीनेस उतना ही बढ़ने लगता है। अब ये एक्सपेक्टेशन दो तरह के होते हैं, नंबर वन आउटर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन एंड नंबर टू इनर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन। आउटर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन मतलब बाहर किसी से या किसी सिचुएशन से आप जो एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि काश आपका बॉस आपके ऊपर थोड़ा कम चिल्लाए, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको थोड़ा ज़्यादा और प्यार करे, या जैसे कि इस वर्ल्ड के सभी लोग आपको पूरे दुनिया में बेस्ट सिंगर माने। ये सब आउटर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन में आता है, जो सारे मीनिंगलेस तो है ही ऊपर से हार्मफुल भी है, क्योंकि आपके चाहने से आपका बॉस आपके ऊपर चिल्लाना कभी भी कम नहीं करेगा, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको ज़्यादा प्यार करना भी शुरू नहीं कर देगा। आपके सिर्फ चाहने से इन सब के ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि बुरा इफेक्ट पड़ने लगता है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि सभी आपको वर्ल्ड के नंबर वन सिंगर माने, और इसीलिए आप किसी सिंगिंग कंपटीशन में गाना गाने के लिए गए हो। दूसरी तरफ आपके जैसे ही दूसरा कोई एक उस कंपटीशन में गाना गाने के लिए गया है, लेकिन उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उन्हें फर्स्ट आना है या लास्ट आना है, उन्हें बस गाना गाने से प्यार है इसीलिए वो गए हैं। क्या लगता है आप दोनों में से कौन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? जब भी एक्सपेक्टेशन आता है उसके साथ साथ आने लगता है डर, यही खुशी को मार देता है। ये डर आने लगता है क्योंकि आप ऐसी किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो जो असल में आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको क्या लगता है, आप अगर हर काम बिल्कुल परफेक्ट करोगे तो आपका बॉस आप पर चिल्लाना कम कर देगा? वो आपकी बॉस की मर्जी, वो अगर चाहे फिर भी आपके ऊपर चिल्लाएंगे तो चिल्ला ही सकते हैं, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए ये सारे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मीनिंगलेस तो है ही, ऊपर से बेवकूफ़ी करना भी है। बेवकूफ़ी क्योंकि इससे आप बेकार में स्केल्स की लेफ्ट साइड मतलब एक्सपेक्टेशन की साइड को बढ़ा लेते हो, जिससे राइट साइड मतलब खुशी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब अगला है इनर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब आप खुद से जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, जैसे अगले एक महीने मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठूंगा, या अगले 2 महीनों में मैं अपना 10 kg वेट घटाऊंगा। ये सारे आउटर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन से अलग है इस सेंस में क्योंकि ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल में है के बदले कंट्रोल में होना चाहिए इसलिए मैंने कहा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे भी हमारा कंट्रोल खो बैठे हैं। हमारा अपना माइंड अपना बॉडी हमसे इंस्ट्रक्शन लेके नहीं चलता, क्योंकि अगर इतना भी हम कर पाते तो हमारी लाइफ की 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। क्योंकि अगर आपके हाथ में ऑप्शन होता खुद के अंदर हमेशा खुशी क्रिएट करने की या दुख क्रिएट करने की, तो आप हमेशा कौन सा क्रिएट करते? ऑब्वियसली खुशी। इसका मतलब आपके अपने अंदर भी जो होता है वो भी आपकी मर्जी से नहीं होता, आप अपने खुद के बॉडी खुद के माइंड के ऊपर से भी कंट्रोल खो बैठे हो। क्योंकि अगर सिर्फ इतना भी कंट्रोल में होता तो आज अगर आप डिसाइड करते कि कल से अगले एक महीने तक आप हर रोज़ 4 घंटे करके बुक्स पढ़ेंगे तो आप वही करते, लेकिन इतना भी अब हम नहीं कर पाते। अपने खुद के माइंड खुद के बॉडी को अपनी मर्जी से नहीं चला पाते, ऊपर से हम डिज़ायर रखते हैं दूसरे किसी की माइंड दूसरे किसी की बॉडी को अपने कंट्रोल में रखने का। सच में अजीब है हम तो। हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए आउटर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन जैसे हैप्पीनेस किलर है, वैसे ही इनर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन भी हैप्पीनेस किलर है।
मन ही मन डिसाइड करते हैं कि कल सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग के लिए जाएंगे और फिर अगले दिन सुबह 10 बजे उठ के खुद ही खुद को गाली देते रहते हैं। ऐसे में अब जो सवाल आता है कि फिर क्या हमें अपने आप से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए? लेकिन फिर हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे अगर लाइफ में कोई भी एक्सपेक्टेशन ही ना हो? तो फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि लाइफ में जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। एक्सपेक्टेशन के साथ सक्सेस का क्या कनेक्शन? ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आज वो जिस जगह पर है वहाँ कभी पहुँच पाएंगे, लेकिन वो पहुँच गए। भुवन बाम को तो हम सभी पहचानते हैं, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि भुवन का सपना कभी भी इंडिया का टॉप यूट्यूबर नहीं बनना था। वो एक टॉप सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन वो टॉप यूट्यूबर नहीं बनना चाहते थे इसलिए कि वो आज टॉप यूट्यूबर नहीं बने। ऊपर से शायद उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, इसीलिए इतनी जल्दी खुश रह के वो उस जगह पर पहुंच गए। इधर शायद ऐसे हज़ारों लोग हैं जो दिन रात बस एक ही सपना देखते हैं, इंडिया की टॉप यूट्यूबर बनने की। तो इससे क्या वो लोग टॉप यूट्यूबर बन गए? सो एक्सपेक्टेशन और सक्सेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से दुश्मनी है। तो सबसे पहले तो आउटर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो कभी भी फायदेमंद नहीं है बल्कि हार्मफुल है। इनर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन फायदेमंद हो सकते हैं अगर किसी का बॉडी और माइंड उनके अपने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के जरिए चले, अदरवाइज ये भी हार्मफुल है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि स्केल्स के लेफ्ट साइड से सारे आउटर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस को हटा के लेफ्ट साइड को जितना हो सके घटाना, और फिर अगर बिल्कुल जीरो करना पॉसिबल ना हो तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इनर वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन को रहने के लिए जगा देना जो सारे फुलफिल करना पॉसिबल हो। मतलब 1 महीने में 10 kg नहीं, 1 महीने में 1 kg वजन घटाना है, या कल से सुबह 10 बजे के बदले डायरेक्ट 6 बजे नहीं बल्कि 9 बजे उठना है। सिर्फ ऐसे एक्सपेक्टेशंस को रहने के लिए ही जगा देना है जिससे हैप्पीनेस साइड को जितना ज़्यादा हो सके भारी रखा जाए। अब ये बिल्कुल आपके ऊपर है, इसके बाद भी आप उन सारे एक्सपेक्टेशंस को रखना चाहते हो या नहीं। जब भी आप किसी नए एक्सपेक्टेशंस को जगह बना दोगे तब बस इतना ध्यान रखना आप अपने हैप्पीनेस के साइड पे कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हो। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करोगे, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।